हेलो एवरीवन, द वर्टिकल शो में स्वागत है आप सभी का। पत्रकारिता के बारे में अगर मैं एक बात बोलना चाहूँ तो ये एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बहुत बड़ा है, जो छोटी से छोटी चीज़ के साथ बड़ी से बड़ी चीज़ को अपने रूप में संजोता है। और ये राजनीति को, हमारे सामाजिक स्तर को, हमारे धर्म को, सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब पत्रकारिता के विषय में अगर हम बात करें तो आज है हमारे साथ ओमवीर भार्गव जी, जो कि वैसे जाने जाते हैं अपने स्वतंत्र संवाद के लिए, लेकिन हाल फिलहाल हम सब इनको बधाई देंगे क्योंकि ये पिंक सिटी प्रेस क्लब के नव निर्वाचित डायरेक्टर बने हैं। तो चलिए, द वर्टिका शो की तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी ओमवीर भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे पहले ओमवीर जी, स्वागत है आपका द वर्टिका शो में। शुक्रिया मैम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब के आप नव निर्वाचित अभी डायरेक्टर बने हैं, तो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर और हम सबको बेहद खुशी भी है कि आपको इस पद के लिए चुना गया। अगर हम बात करते हैं प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की, जिसका आपने अभी गठन कर भी दिया है, तो अगर जैसे प्रेस क्लब अपने आप में क्या है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे मीडियाकर्मी, सारे पत्रकार एक जगह आते हैं, बात करते हैं, तो बहुत टाइम से वो एक सेट पैटर्न पर चल रही है, लेकिन अब आपको अगर ये मौका दिया जा रहा है तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे, क्या नई चीज़ें आप लाना चाहेंगे और किस तरीके से प्रेस क्लब काम करे आगे की, क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं आपने? हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग वहाँ एक पारिवारिक माहौल बनाएं। अच्छा। पारिवारिक माहौल ऐसा कि जिसमें आपके गार्जियंस आ सकें, आप खुद आ सकें, आपके बच्चे आ सकें और आकर के वहाँ एक क्लब की तरह आप उसको एंटरटेन कर सकें। अच्छा। पत्र जर्नलिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों का शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है कि हम लोग सुबह निकलते हैं, रात तक आते हैं, हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, बीवी को समय नहीं दे पाते हैं, माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं, और कोई एक दिन का शेड्यूल नहीं है। बिल्कुल, ये शेड्यूल है सातों दिन का। नहीं नहीं, ये आपने बहुत सही बात बोली है कि इतना हेक्टिक और इतना व्यस्त आप लोग रहते हैं कि जहाँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है लेकिन परिवार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, परिवार ज़रूरी है मैम। और एक्चुअली ये क्लब भी हमारा परिवार है जी। हमारे मेंबर जितने भी लोग हैं ये हमारे फैमिली मेंबर है, और हम, हमारा जो मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो सक्सेसफुल फैमिली मेंबर्स हैं वो एक साथ बैठ सकें, एक साथ हम हमारी जो चीज़ें हैं उनको हम सर्कुलेट कर सकें, अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी हैं जी। तो हम लोग एक पारिवारिक माहौल अगर हम बना सकते हैं यहाँ पे और एक स्मूथ सा माहौल बना सकते हैं, तो उससे न केवल हमारी बल्कि हमारे परिवार में जो हमारे बच्चे हैं उनकी, हमारे से जुड़े हुए हैं जो छोटे अखबार वाले हैं, बड़े अखबार वाले हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें एक सौहार्द का माहौल बने और वो इस माहौल से भी अपनी टेंशन को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशर होता है हम लोगों पे भी, सब तरीके का प्रेशर होता है आपके ऊपर। हाँ, बहुत प्रेशर होता है हम लोगों पे। सुबह जाना है हमको और हमें पता नहीं है हमको किस सेगमेंट में भेज दिया जाएगा, हमें पता नहीं होता कितनी दूर भेज दिया जाएगा, हमें पता नहीं होता रात में जाना है, दिन में जाना है, कब सेगमेंट में जाना है हमारे को, और उसको प्रॉपर वे में करके भी आना है, क्योंकि कैमरा रिजल्ट देखता है, कैमरे ने रिजल्ट देखा है, कैमरे ने ये देखा है कि आज ये कवर करके लाए हैं तो उसमें कितनी चीज़ों को ये कवर करके लाए हैं, ऑथेंटिक है या नहीं है, सब चीज़ें हमारे भी चीज़ उसके पीछे की जो मेहनत है वो आप लोग ही जानते हैं। बिल्कुल, एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, एक फोटोग्राफर, एक फोटो जर्नलिस्ट, उन सबकी जो मेहनत रहती है वो बैक स्टेज की, इतनी कठोर तपस्या होती है मैम, मैं कठोर तपस्या बोलूँगा इसको, मेरी ऑडियंस को बताऊंगा, एक कठोर तपस्या के बाद में हम लोग 5 मिनट या 10 मिनट की एक न्यूज़ खबर चला पाते हैं। तो मतलब अगर मैं एक उसमें शॉर्ट में बोलूं तो एक सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं और सबके हितों को सोचते हुए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब जहां आपने बात कही कि आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे में जो एक मेन बात आती है वो आती है लोगों की सुरक्षा की, क्योंकि अगर देखिए आप लोग फील्ड में जा रहे हैं किसी भी कवरेज के लिए, किसी भी न्यूज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ आप लोगों के खुद के इक्विपमेंट्स जैसे कैमरा होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज होती है, बहुत, तो अगर हम किस सुरक्षा की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकारों की सुरक्षा एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के मैडम अभी हम लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया था। अच्छा। हम लोग सब संगठित हुए थे और राजस्थान से सारे पत्रकार हैं जो सब इकट्ठे हुए थे, जिसमें हमारे फोटो जर्नलिस्ट भी हैं, वीडियो के जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं, अभी जो काम कर रहे हैं फील्ड में वो सब भी लोग हैं, सब एक जगह इकट्ठे हुए थे कि हम लोगों ने सरकार से डिमांड भी की है कि हमारे को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए,
क्या होता था, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में हमारे कैमरामैन हैं, हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं, हम रिपोर्टर्स भी उस भीड़ में जा करके, उस संग्राम में जा करके, संग्राम आप बोलो, संग्राम में जा करके हम लोग हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोग प्रयास करके उस चीज़ को, खबर को निकाल के लेके आते हैं। हमें वहीं हमारी चीज़ों को लिखना भी होता है, ऑन द स्पॉट हमको लाइव रिपोर्टिंग करनी होती है, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हमें सुरक्षा की बहुत सख्त जरूरत है, और काफ़ी भीड़ होती है, पब्लिक भी काफ़ी होती है, और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि कई जगह तो राजनेता होते हैं, सामाजिक लोग भी होते हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े होते हैं, ऐसे में मौसम भी अपने आप पे प्रभावित करता है। मैम हर मौसम में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोगों को तो जाके हमारी चीज़ों को 100% देना है। अगर हम चीज़ें हमारी 100% नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे ऑफिस का प्रेशर है, अगर हम 100% दे लेते हैं तो हमें कोई ज़्यादा, वो कहते हैं कि हसाई का नाम नहीं होता, रुलाई का जरूर नाम होता है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी कदम है जो उठाए जा सकते हैं? मैम हमारे लिए पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे पहले तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए सरकार को। अच्छा, हम लोग पिछले 3 सरकारें निकल चुकी हैं जी। पहले भाजपा की, कांग्रेस की सरकार थी तब से हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, फिर बीजेपी की सरकार हुई तब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, अभी कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार चल रही है तब भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया है, लेकिन ये मुद्दा ही बन के रह पाता है। सरकार इसके पीछे कुछ नहीं कर रही है, अभी तक कुछ नहीं करा है, इतना बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन में भी ना अंदर से कोई आया है, एकमात्र प्रताप सिंह खासीदेवासी जरूर आए थे हमारे पास में, और मीठे दो बोल बोल के हमको अच्छा सा आश्वासन दे के, और वो भी चले गए। तो यानी इस विषय में अभी तक कोई एकदम जो कठोर कदम नहीं अभी तक किया गया है, और हम चाह रहे हैं कि इसको, अभी जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है और हमारे अध्यक्ष राधारमण जी आए हैं, महासचिव रामेंद्र जी आए हैं, और भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो आए हैं सारे योग्य हैं, एक से एक योग्य लोग आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इस कार्यकारिणी में हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवा देंगे सरकार से, और अगर कांग्रेस सरकार इसको करती है तो ठीक है, नहीं तो नई सरकार आएगी उसको जरूर करेगी, क्योंकि हम लोगों ने हमारी चीज़ों को बहुत ही मजबूत तरीके से रखा है इन चीज़ों को। यानी कि आप अपनी तरफ से कदम उठा चुके हैं, तो लेकिन हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार, पूरा समाज, सब चीज़ जुड़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए बाकायदा कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे बहुत महंगे महंगे कैमरे हमारे कैमरा मैन लेके चलते हैं, किसी का 10 लाख का कैमरा है, किसी का 5 लाख का कैमरा है, किसी का 2.5 लाख रुपये का कैमरा है, और वो अपने खुद के खर्चों से, अपने खुद सेल्फ खर्चे से लेकर के वो चीज़ों को लेकर आते हैं, कैसे वो फील्ड में जा रहे हैं, उनका और कोई मुआवजा भी नहीं होता, अगर कुछ उनको डैमेज हो गया उनका कोई मुआवजा नहीं है, वो अपने लेवल पे अगर उसने कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो बात अलग है, अगर उसने अपने लेवल पे इंश्योरेंस नहीं करा रखा है या उस कैमरे वो खुद भी इंश्योर्ड नहीं है इसको लेकर के, तो सुरक्षा का भाव है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इसको सरकार को जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जो अधिकृत पत्रकार होते हैं, तो उनके एक्रेडिटेशन से संबंधित बातों के लिए या उनकी चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्रेडिटेड पत्रकारों के लिए एक्रेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं मैम जी, उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए सरकार को। अच्छा, जैसे बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, उनकी जो नियम कहने का जो बनाए हुए हैं उनको वो आम पत्रकार पूरा ही नहीं कर पाता है, कुछ तो अभी बड़े मैं चैनल्स की भी बात करूं तो उनके लिए फिक्स कर रखा है कि भैया आप 10 लोग या 20 लोगों को आप एक्रेडिटेड ये लिख के दे सकते हो कि आप एक्रेडिटेशन करा लो या एक्रेडिटेशन करा लें, वो तो सबको लिख के देना फिजिबिलिटी भी नहीं है मालिकों के लिए, और ना वो करवा पाता है जी। अगर वो एज ए फ्रीलांसर काम करता है तो उसको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से इस्तीफा देके काम करूँ, फ्रीलांस काम करूँ, 5 अखबारों में मेरे आर्टिकल छपाऊँ, फिर वो उनको जाकर कोई सबमिट करे, तो इस नियमावली को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करे हमारे रिपोर्टर्स के लिए, हमारे फोटो जर्नलिस्ट के लिए, हमारे फोटो कैमरामैन के लिए, तब जाके इन चीज़ों को हम लोग शूटिंग कर पाएंगे। मतलब थोड़ा सा आपके लिए जो राह है पहले ही बहुत कठिन है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उस राह को सरकार की तरफ से थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, पत्रकारों की बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर वो एक्रेडिटेड पत्रकार बनता है तो सरकार की तरफ से जो उसको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, और जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, और अगर उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो दुर्भाग्य है। अगर अब आपने बात करी है अभी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे उनकी राइट्स की भी बात करी है, उनके लिए सुविधा किस तरीके से हो, तो उसी में एक मेन जो चीज़ आती है वो होती है प्लॉट्स की, यानी वो एक सबके लिए एक ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, तो उस विषय को लेके अभी कुछ चीज़ें हुई भी थी प्रीवियसली भी, काफ़ी कुछ पत्रकारों की तरफ से किया गया, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे तो इस बार सरकार चेंज हो गई है, हमारे प्रेस की भी सरकार चेंज हो गई इस मुद्दे पे, तो 571 का मामला ये है जी कि 571 वो पत्रकार हैं जिनको ऑलरेडी सरकार
मकान अलॉट कर चुकी है, अलॉट करने के बाद उससे मुकर भी चुकी है कि हमने नहीं दिए हैं ये। अच्छा, कह दिया कि भाई हमने दे दिया, एक जगह अलॉट भी कर दिए गए हैं सब लोगों को, सब पत्रकारों को पता है भाई मेरा मकान वहाँ है, उसके बाद उसको मना कर दिया कि भाई वो नहीं है। तो ये, और ये बहुत पुराना मुद्दा है, मतलब जो नए हम जैसे जो लोग अभी आए हैं उन्होंने तो अभी फॉर्म ही नहीं भरे हैं, उनके लिए तो अब भरना है। तो पुराने लोग हैं, सीनियर लोग हैं जिनकी फैमिली डिपेंडेंट है, एक सीनियर पत्रकार ने जिसने पूरी जीवन निकाल दिया अपना पत्रकारिता की ज़िंदगी में, और जर्नलिज्म में काम करने के बाद उसको उसके लिए मकान तक नसीब नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इसको सरकार जल्द से जल्द 571 की चीज़ों को, अगर 571 प्लॉटों को दे देती है तो नए पत्रकार भी उस चीज़ के लिए सामने आएंगे, आगे भरेंगे, आगे नए फॉर्म भरेंगे, लोगों को मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अभी जो पुराने 571 उनको भी दे दे सरकार, तो हमारी बहुत बड़ी विजय मानेंगे। नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सबसे ज़रूरी बेसिक नीड है। बिल्कुल, बहुत क्योंकि सबके संग परिवार जुड़े हैं और परिवार की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो जितना हम पत्रकारों को एक रिलैक्सेशन वाले जोन में रखेंगे वो उतना ही अच्छे से काम भी कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें समस्याओं से मैं भी रूबरू हो रही हूँ कि एक फील्ड में जाने के बाद किसी पत्रकार को कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जिसमें कि उनका ना जाने का समय होता है और जाने के बाद घर आने का भी कोई समय नहीं होता है, इतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। उमवीर जी एक बात बताएं, अमूमन अगर मैं देखती हूँ इतने सालों से चीज़ें देख रही हूँ कि दिन की शुरुआत अखबार से होती है, मतलब सबसे पहले जब इंसान उठता है ठीक है वो भगवान को ढोक देता होगा, लेकिन उसका सेकेंड स्टेप तो यही होता है कि भाई आज का अखबार कहाँ है, क्योंकि दो दिन भी जो साल में छुट्टी के होते हैं ना उसमें भी खलबली मची होती है कि अखबार नहीं मिला। भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना ही आगे आ गया, लेकिन फिर भी आज भी अखबार की जो उपयोगिता है वो एज इट इज है, ऑथेंटिसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है। अखबार जिसे नहीं मिलता है, अखबार में जो न्यूज पढ़ी हुई होती है, आपने सुना होगा कि भाई मैंने वो चीज पढ़ी है अखबार में, तो इसका मतलब मेरी चीज ऑथेंटिक है। और आज भी अगर हम देखते हैं तो अगर कोई भी खबर आती है तो इंसान सोशल मीडिया पे उसके फोटो क्लिक करके अपडेट करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे उसको लगाते हैं, यानी उसकी उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है उस खबर को, और कई महीनों तक वो चीज़ चलती है। तो अगर हम इस बारे में, जैसे आपका भी स्वतंत्र संवाद, आपने भी अपना अखबार निकाला हुआ है और आप भी उसके लिए लिखते हैं करते हैं, तो बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो एक प्रभावी न्यूज़पेपर हो, इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से वो काम होता है अखबार के लिए और एक प्रभावी न्यूज़पेपर हो, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिशन है। मैम, एक अखबार में जनरली देखने को तो आदमी को लगता है कि कल न्यूज़ मैंने दी थी या न्यूज़ आई थी या हमने कुछ कार्यक्रम करा था, अगले दिन पेपर में छप गया है जी। लेकिन किसी भी अखबार को चलाने के लिए चार सेगमेंट होते हैं और चारों सेगमेंट पे बराबर मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक भी सेगमेंट आपका कमज़ोर रह जाता है तो आप अखबार नहीं चला सकते। चार सेगमेंट, पहला सेगमेंट आपके पास में रहता है रिपोर्टिंग सेक्शन। आपका रिपोर्टिंग सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी खबरें ऑथेंटिक होनी चाहिए, आपकी खबरों की अप्रोच होनी चाहिए, और जिस सेम डे की न्यूज़ सेम डे अगले दिन छपनी चाहिए, वो आपकी ऑथेंटिसिटी है। तो पहले आपके रिपोर्टिंग सेक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका मार्केटिंग सेक्शन, दूसरा मार्केटिंग सेक्शन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके पास विज्ञापन नहीं है जो कि अखबार की ऑक्सीजन है, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आपके क्या कंडीशन हो सकती है ये आप समझ सकते हैं। तो आपके विज्ञापन लाने की तीव्र गति होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट के विज्ञापन ले आऊँ तो मेरा अखबार चल रहा है। अगर मेरे पास गवर्नमेंट विज्ञापन दे रही है तो चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा है। आपके मार्केट में भी अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, मार्केट में भी आपकी अप्रोच हो के उससे विज्ञापन लाने की क्षमताएँ होनी चाहिए, तब जाके आप अपने ऑक्सीजन को मेनटेन कर सकते हैं, अपने अखबार को चला सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है आपका सर्कुलेशन, कि आपने सर्कुलेशन में उसको प्रॉपर वे तक पहुँचा पाए हो या नहीं पहुँचा पाए हो, आपके रीडर्स तक वो चीज़ पहुँची है नहीं पहुँची है। तो सुबह आप अभी कह रहे हैं कि भैया सुबह अखबार नहीं आया तो मेरे पास कितनी बेचैनी होती है, तो अखबार राइट टाइम पे राइट जगह पे अगर पहुंच जाता है दैट मीन्स आपकी रीडेबिलिटी प्रॉपर है, आपने जो लिखा है वो प्रॉपर काम कर लिया है और आपकी चीज़ें पहुंच गई है। चौथी चीज़ है उसकी प्रिंटिंग और उसका स्ट्रक्चर, आपका टेबलेट साइज़ का अखबार है, आपका फुल साइज़ का अखबार है, आपका 8 पेज का अखबार है, आपका 12 पेज का अखबार है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, आपका लेआउट डिपेंड करता है, आपकी चीज़ें प्रिंटिंग होके सही समय पे सही पहुंचती है। जैसे मैं आपको देखो, आपको लगने का तो लगता है 7 बजे अखबार आ गया, 6 बजे अखबार आ गया, आप पोकर से कंप्लेंट भी करते हैं कि भैया मेरे को तो अखबार जल्दी चाहिए, लेकिन वो उसकी जो रात भर की जो एक्सरसाइज होती है वो प्रोडक्शन वाले देखते हैं। उसको रात को 11 बजे अगर रिपोर्टिंग सेक्शन वाले या 12 बजे रिपोर्टिंग सेक्शन वाला अखबार छोड़ता है पूरा कम्प्लीट करके, तो वो 12 बजे से लेकर के उसको 3 बजे या 4 बजे तक कम्प्लीट छाप के लाखों की संख्या में लोगों के सर्कुलेशन है,
छाप के मार्केट में लेके जाना पड़ता है, वहाँ से उसको ऑफर उठाता है और सुबह 5-6 बजे वो आपके घर में डाल देता है। बड़ा प्रोसीजर होता है, दैट मींस 24 घंटे का वर्कआउट है। लेकिन एक बार तो पर्सनली मैं पूछना चाहती हूँ भाई, कोई भी खबर है किसी से भी संबंधित है, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है, धर्म से संबंधित है, उस खबर की जो ऑथेंटिसिटी होती है उसके ऊपर किसी राजनेता का, सामाजिक जो बहुत इन्फ्लुएंसर वाले लोग होते हैं, मतलब आपके पास खबर कुछ और आई है लेकिन अब प्रेशर कुछ और आ रहा है, कैसे डील करते हैं? मैम क्या प्रेशर वाली चीज़ तो ऊपर तक है, संपादक लेवल पे प्रेशर होता है, रिपोर्टर लेवल पे प्रेशर होता है, सब तरह का प्रेशर होता है, उसके बावजूद भी एक अखबार अपनी इन चीज़ों को मैनेज करता है, जो जनता की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग न्यूज जाती है। क्योंकि मेन क्या है, आज अगर हमारा जो क्लाइंटेज है, मैं एक अखबार के मालिक की हैसियत से बोल रहा हूँ, मेरा क्लाइंटेज मेरे को विज्ञापन देने वाला बिल्कुल नहीं है, मेरे को मेरा क्लाइंटेज है, मेरा रीडर है, जो मेरी रीडरशिप बढ़ा रहा है, जो मेरे को पढ़ करके मुझे धन्य कर रहा है, अगर वो मुझे सही व्यूज़ दे रहा है तो मैं उसको सही तरीके से छाप पाऊँगा। मेरे पर डिपेंड ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि मेरे को कोई विज्ञापन दे रहा है या नहीं दे रहा है, मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरे रीडर ने उसको ढंग से माना है या नहीं माना है, बिल्कुल वो मेन है। चलिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आपने इतनी सारी बातें बोली हैं और अभी तो अभी आप डायरेक्टर बने ही हैं, पिंक सिटी प्रेस क्लब के नव निर्वाचित हैं, लेकिन मतलब उसके बिहाफ पे और इतने सालों से जो आपकी एक अखबार की जर्नी है, तो काफ़ी अनुभव, काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास है, काफ़ी आपने चीज़ें छोटे रूप में भी देखी है, उन छोटे रूप का आपने एक बड़ा रूप भी देखा है, तो सारे पत्रकारों को, जो भी हमारे मीडिया कर्मी हैं जो इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि आप निडर होकर काम करें, बिल्कुल निर्भीक होकर काम करें। इट मेक्स नो डिफरेंस कि आपके पास में कितना प्रेशर है, अगर ऊपर से कोई प्रेशर भी आता है तो आप अपने काम को बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल स्वच्छ भाव से करें, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको आर्थिक मानसिक रूप से आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि ये मान के चलें कि सामने वाले की ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है, तभी आप उसको ढंग से लिख पाएंगे, तभी आप लोगों को तक उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर हम एक छोटे रूप में बात करें तो इन सबसे उठ के जो है वो है जनता, जनता जनार्दन जनता जनार्दन, जो कि हर परिप्रेक्ष्य में सबसे ऊपर रहती है, जागरूक रहती है और हर चीज को समझती है। बिल्कुल, जनता के हिसाब से काम किया जाना चाहिए, चाहे वो रिपोर्टिंग सेक्शन हो जी, और किया भी जाता है, ऐसा नहीं एक अखबार का मालिक इस चीज देखता है कि अगर जनता चाहती है कि ढंग से प्रिंटिंग हो क्या है तो वो बढ़िया कागज में उसको लेआउट प्रिंट करता है, अगर मालिक देखता है कि ढंग से उसकी रिपोर्टिंग सेक्शन काम कराओ तो रिपोर्टिंग सेक्शन पे प्रेशर होता है कि वो ढंग से वो चीज़ें खबरें प्रकाशित करें जो पब्लिक पढ़ना चाहती है। अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग वे के हिसाब से, तो हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी वहाँ अखबार के माध्यम से देते हैं, इसमें यही मुद्दा नहीं है कि मैं उससे कितना कमा रहा हूँ, मुद्दा ये भी है कि नए प्रोडक्ट्स की जानकारी अगर आम पब्लिक तक नहीं होगी तो वो लेने नहीं जा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर जी, मुझे भी आपके द्वारा ना बहुत सारी बातें जानने को मिली, और हर फील्ड की देखो एक अपनी समस्या होती है, लेकिन वाकई में जो पत्रकारों की समस्याएं हैं वो बहुत अलग हैं और बहुत जेन्युइन है कि किस स्थिति में, और किस मतलब शारीरिक तो उनका पूरा श्रम होता ही है लेकिन एक दिमागी प्रेशर भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं यही चाहती हूँ कि जितनी समस्याएं इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हों और ज़िंदगी को एक आसान तरीके से, आप अपनी कार्यशैली को एक आसान शैली बन जाए, हम भी यही चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।